Hey, what's up YouTubers and subscriber? Welcome to our brand new series of learning AutoCAD with Construction Planet. Today this is our first video and we will be discussing some lines, settings and interface. So hang on, bring your notepads and be with us. Welcome back to the very first video in the series of learning AutoCAD with Construction Planet. आज की इस वीडियो के अंदर हम ऑटोकैड का बेसिक इंटरफेस देख रहे होंगे और जनरल सेटिंग्स देख रहे होंगे जो कि आगे जाके हमारी आने वाली वीडियोस में और हमारी आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर काम आ रही होंगी। तो ऑटोकैड की इंटरफेस देखने से पहले हम ज़रा इस वीडियो रिकॉर्डिंग इंटरफेस देख लें। तो ये वीडियो जितनी भी आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे ये तीन हिस्सों के अंदर डिवाइडेड होंगी। इस तरफ आपको मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी या स्क्रीन कैप्चर दिख रहा होगा, जो भी स्क्रीन पर हो रहा है वो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। टॉप पे आपको सारे वो नोट्स या वो कमांड्स नज़र आ रही होंगी जो कि मैं एंटर कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से ताकि आप इजीली लिख सकें, और अगर आप वीडियो बार बार देखें तो आपको पता होगा कौन सी कमांड किस शॉर्टकट से लग रही है या हम क्या स्टेप ले रहे हैं। एंड दी थर्ड पोर्शन इज़ मी जो कि आपको इस फ्रेम के अंदर नज़र आ रहा होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड से। मैं जो हूँ ऑटोकैड 2018 यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ऑटोकैड 2010 के बाद से आप कोई भी वर्जन यूज़ करें आपको समवॉट सिमिलर इंटरफेस मिलेगा। कुछ कमांड्स या कुछ मेन्यू ऑप्शन आगे पीछे होंगे लेकिन वो आपको इतना बॉदर नहीं करेंगे। ऑटोकैड इस टाइम पे आपको ज़्यादा ऑप्शन ओपन नहीं नज़र आ रहे होंगे। इसको ज़्यादा ऑप्शन देखने के लिए हमें एक ड्राइंग ओपन करनी होगी। तो ड्राइंग ओपन करने के लिए सबसे टॉप पे एक ये न्यू ड्राइंग का बटन है, आप न्यू ड्राइंग के बटन पे क्लिक करें। तो इस टाइम के ऊपर ये आपसे बेसिक टेम्पलेट्स पूछेगा। इन बेसिक टेम्पलेट्स में से आप सिर्फ ऑटोकैड AutoCAD हमारे काम का करंटली एक ही टेम्पलेट, तो आप ये टेम्पलेट क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर दें। कंग्रेचुलेशन, आपकी पहली एक ब्लैंक ड्राइंग ओपन हो गई। अगर हम इंटरफेस की बात करें तो सेंटर में जो आपको हिलता हुआ दिख रहा है इसको आप नॉर्मल ज़बान में कर्सर कहते हैं, लेकिन हम ऑटोकैड की ज़बान में इसको क्रॉस हेयर्स कहते हैं। टॉप पे एक मेन्यू रिबन है जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोडक्ट से, जो यूज़ करते हैं उनको पता होगा। इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट कमांड्स मिलेंगे, लेकिन हम बहुत कम ही इनका यूज़ कर रहे होंगे क्योंकि हम जा रहे हैं कमांड ड्रिवन अप्रोच के। ऑटोकैड जो है वो दो तरीके से काम कर सकता है, या तो आप मेन्यू ड्रिवन अप्रोच के साथ जाएँ या आप कमांड ड्रिवन अप्रोच के साथ जाएँ। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? कमांड ड्रिवन मोड के अंदर आप कमांड एंटर करेंगे और आपका काम हो जाएगा। मेन्यू ड्रिवन अप्रोच के अंदर आपको ऊपर मेन्यू से जाके बार बार कमांड सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सो अगर आपको स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए तो नेवर गो फॉर मेन्यू मोड, हमेशा हमेशा कमांड मोड पे जाएं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वक्त के साथ साथ आपकी स्पीड और एक्यूरेसी खुद ही बिल्टअप होने लगेगी। और जितनी भी ट्यूटोरियल्स हम करेंगे इस पूरी सीरीज़ के अंदर वो तमाम की तमाम कमांड मोड पे ही बेस्ड होंगी, सिवाय चंद ऑप्शंस के जो कि कमांड में ज़्यादा मुश्किल है, मेन्यू में आसान है, वह मेन्यू बेस अप्रोच पे जा रहा हूँ। तो जब हम ड्राइंग बना रहे होते हैं और जब कॉम्प्लेक्स ड्राइंग्स हो जाती हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि स्क्रीन पे से क्लटर जितना हो सके वो कम करें। तो हम बेसिक सेटिंग्स अभी जितनी भी कर रहे होंगे वो यही कर रहे होंगे कि हम क्लटर को कम करें। तो ऊपर आपका मेन्यू आ गया, नीचे आपकी कमांड लाइन आ गई। बेसिकली आपको यही दो चीज़ें चाहिए, इसके अलावा आपको कोई और चीज़ नहीं चाहिए। तो सबसे पहला काम जो क्लटर ख़त्म करने के लिए आपको करना है वो करना ये है कि ग्रिड ऑफ कर दें। तो यहाँ पे बॉटम में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ग्रिड मोड का, इसको आप ऑफ़ करें। आपकी ग्रिड ऑफ हो गई, आपको काफ़ी चीज़ें विजिबल नज़र आने लगी। दूसरी चीज़ जो हमें क्लटर कम करने के लिए करनी है वो ये करनी है, ऑटोकैड 2010 के बाद से ऑटोकैड ने एक ऑप्शन देना शुरू किया था जिसको हम डायनामिक इनपुट कहते हैं, कि इंस्टेड ऑफ बार बार जो न्यू यूज़र्स हैं वो देखें नीचे कौन सी कमांड लग रही है, आपको कर्सर के साथ ही एक और सेकेंडरी कमांड लाइन आ जाए। क्योंकि मैं एक ओल्ड स्कूल यूज़र हूँ और मैं ऑटोकैड R14 जो कि तकरीबन 98-99 में रिलीज़ हुआ, फिर ऑटोकैड 2010, तो तकरीबन 15-16 साल हो गए ऑटोकैड यूज़ करते हुए, तो मुझे चीज़ जो है वो क्लटर लगती है, हमारी आदत नहीं बनी हुई। और आप भी कोशिश ये करें कि आपको नहीं पता कि आप किस टाइम पर कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिक बेयर मिनिमम सेटिंग के साथ जाएँ ताकि आपका काम निकलता रहे। तो हम ये डायनामिक इनपुट को करेंगे ऑफ। डायनामिक इनपुट को ऑफ करने का तरीका ये है कि सेटिंग्स मेन्यू में जाएँ, यहाँ बॉटम बिल्कुल बॉटम लेफ्ट राइट पे आपको दिख रही होगी, यहाँ से डायनामिक इनपुट चेक करें। तो अब आपके पास डायनामिक इनपुट का ऑप्शन आ गया लेकिन ये ऑन अभी भी है, यू सी। तो आप इस पर क्लिक करें, अब आपके पास डायनामिक इनपुट ऑफ हो गया। अगर ब्लू नज़र नहीं आ रहा तो दैट मीन्स डायनामिक इनपुट ऑफ। अब देखिए मैं जो भी कमांड लगा रहा हूँ वो मेरे पास नीचे सिर्फ कमांड मोड पर लिखी हुई आ रही है, कर्सर के साथ मेरे पास कोई कमांड लाइन नहीं आ रही। दैट्स वन वे टू रिमूव द क्लटर। सेकेंड थिंग हम देखेंगे तो ये देखेंगे हमारे क्रॉस हेयर का साइज़ करंटली बहुत छोटा है। जब आपकी ज़्यादा बड़ी या कॉम्प्लेक्स ड्राइंग आएंगी तो ये कर्सर खो जाता है विद इन द ड्राइंग, तो हमें क्रॉस हेयर का साइज़ बड़ा करना है। तो इसका बड़ा करने का सबसे बेसिक तरीका ये है कि आप जाएं ऑप्शन मेन्यू के अंदर। ऑप्शन मेन्यू में जाने के लिए आप OP फॉर ऑप्शन लिख के स्पेस बार दबाएं, तो अब आपको ऑप्शन मेन्यू खुल गया। इस ऑप्शन मेन्यू में हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट तरह के तरीकों की सेटिंग्स मौजूद है। हमें जो सबसे पहले देखनी है वो ये देखनी है कि आप जाएँ स्टार्ट से, स्टार्ट करें डिस्प्ले से। डिस्प्ले पे आप सबसे पहले क्रॉस हेयर का साइज़ बढ़ाएं,
this is recommended, not necessary. अगर आप छोटे ग्रॉसरी साइज़ में ईजिली काम कर सकते हैं तो आप करें, लेकिन बड़ा ग्रॉसरी का साइज़ आपको आगे जाके फ़ायदा ही देगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, नंबर वन ये. दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो करनी है कि ओपन एंड सेव के ऑप्शन में जाके बेस वर्जन ऑफ दी फाइल फॉर सेविंग 2010 रखें. इसकी वजह ये कि इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट यूज़र जो है डिफरेंट वर्जन यूज़ कर रहे हैं AutoCAD के, और किसी को आप 2018 में फाइल सेव करके देते हैं तो अक्सर बेशतर आपके पास फ़ोन कॉल और ई मेल आ रही होती हैं, या ड्राइंग जो है वो पुराने वर्जन के अंदर सेव करके दो. तो इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में अपना बेस वर्जन 2010 सेट कर लें, ताकि ड्राइंग उसी फॉर्मेट पर सेव होती रहे. हम 2010 से नीचे क्यों नहीं जा रहे, वो नीचे इसलिए नहीं जा रहे कि फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं 2007 के अंदर और 2010 की ड्राइंग्स के अंदर. कुछ ऑप्शंस का डिफरेंस है जिसकी वजह से आपकी ड्राइंग्स करप्ट होने लगती हैं अगर आप इससे नीचे में सेव करें. तो 2010 इज़ अ सेफ बेट फॉर यू. उसके बाद अगली सेटिंग जो हमें देखनी है वो देखनी है ड्राफ्टिंग की. ड्राफ्टिंग में ऑटो स्नैप मार्कर का साइज़ थोड़ा बड़ा ही है. क्या होता है, किस लिए होता है, बाद में देखेंगे. अपर्चर का साइज़ थोड़ा बड़ा है, ये भी आपको मतलब देगा आगे. उसके बाद आप जाएँ सिलेक्शन में, सिलेक्शन पिक बॉक्स का साइज़ भी आप थोड़ा सा बढ़ाएं और ग्रिप साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ाएं. ये सेटिंग्स करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक करें और ओके कर. नाउ यू आर रेडी टू गो. आप देखें आपका क्रॉसहेयर का साइज़ फुल स्क्रीन पर आ गया, ये अब खोएगा नहीं. आपका सेंटर में पिक बॉक्स साइज़ भी काफ़ी बड़ा हो गया और सब चीज़ें नॉर्मल हैं. सो ट्राई करें, स्टार्ट करें, AutoCAD इंस्टॉल करें, सेटिंग्स करें. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लाइन और एरेज़ की कमांड्स देख रहे होंगे. सो थैंक यू, कम बैक सून.